हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिजीत और आप देख रहे हैं अभिजीत व्लॉग। कोरोना वायरस चाइना के कारण पूरी दुनिया भर में फैल गया है और यूएस जो है इसके ज़िम्मेदार जो है चाइना को ठहरा रहा है। वो बोल रहा है ये चाइना की एक लैब से निकला हुआ वायरस है और काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना को ब्लेम कर रही हैं। चाइना वहीं दूसरी तरफ यूएस को ब्लेम कर रहा है कि यूएस की एजेंसी ने ये वायरस चाइना में फैलाया, उसके थ्रू फिर ये दुनिया भर में फैल गया है। सो वो एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा था कुछ दिनों पहले तक। फिर जब यूएस में जब हालत है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो गए हैं, तो यूएस के प्रेसिडेंट ने कॉल किया सी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट थे और बात हुई। और फिर उसके बाद कुछ दिनों पहले तक यूएस के प्रेसिडेंट जो थे वो चाइना को ब्लेम कर रहे थे और उल्टी सीधे बातें कर रहे थे। अब वो बोल रहे हैं कि हम चाइना के साथ मिलके कि जो जो भी इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे, मतलब इस बीमारी से हम साथ में मिलकर लड़ेंगे और रिसर्च वगैरह में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। अभी प्रॉब्लम ये है, चाइना से ये वायरस फैला और चाइना ने इसे कंट्रोल कर लिया। अराउंड 83-85,000 वहाँ पर इस बीमारी से संक्रमित लोग थे। 78-79,000 जो थे वो रिकवर हो गए हैं और अभी आजकल वहाँ पे जो डेली न्यू केसेस आते हैं वो 15 से 20 आते हैं और ऑलमोस्ट 3,300 के अराउंड वहाँ डेथ्स हुई है इस वायरस के कारण। लेकिन अभी सारा जो मैटर है वो सॉल्व हो गया है। वहीं दूसरी तरफ यूएस इटली और स्पेन यहाँ पे जो है इस वायरस के कारण काफ़ी ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और डेली यहाँ पे जो डेथ्स हैं वो बढ़ रही हैं। डेली नए केसेस जो हैं यूएस में वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना को सभी लोग ब्लेम कर रहे हैं और चाइना के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ सुनने में आता है कि जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यहाँ पे काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं जिससे पूरे वर्ल्ड वाइड सभी को कुछ ना कुछ खतरा बना है। वहीं दूसरी ओर चाइना ने लास्ट वीक इंडिया में जो HDFC बैंक है, जो काफ़ी अच्छा बैंक है और काफ़ी डेवलपमेंट मतलब काफ़ी चल रहा है उसमें काफ़ी सालों से, और ये बहुत ही ट्रस्टेबल बैंक है और इसकी जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ट्रस्टेबल और काफ़ी बड़ा बैंक है। शेयर मार्केट में जो इसका शेयर लिस्टेड है वो HNI की काफ़ी अच्छी पसंद है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें आता है और काफ़ी अच्छे लेवल का ये इंडिया में बैंक है। काफ़ी ज़्यादा इनके अकाउंट्स है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है और सभी चीज़ें अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है। तो चाइना ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, 1% इक्विटी इसकी खरीदी है, वो भी ऐसे टाइम में जब वर्ल्ड वाइड एक कोरोना का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। तो चाइना ऐसे टाइम पे भी प्रॉफिट में कहीं से भी प्रॉफिट लेना, कहीं पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के इन्वेस्टमेंट करना नहीं भूलता है। तो ऐसे टाइम में चाइना से पैसा आया है, चाइना काफ़ी सारी कंट्रीज़ में काफ़ी सारे अच्छी अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हुए आया है। शुरू से चाइना का इन्वेस्टमेंट सिंगापुर, हांगकॉन्ग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये काफ़ी अच्छी डेवलपिंग कंट्री है और काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम करती है। चाइना का इन्वेस्टमेंट थाईलैंड में है, उसके अलावा नेदरलैंड में है, ताइवान में है, जर्मनी में है, जापान में, साउथ कोरिया और सिंगापुर और हांगकॉन्ग में काफ़ी अच्छा है। यहाँ तक कि यूएसए की भी काफ़ी सारी कंपनियों में चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो चाइना जो भी अपॉर्चुनिटी होती है, अगर ऐसे टाइम पे भी बिजनेस की कहीं अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड वाइड शेयर मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं, काफ़ी लो प्राइजेस पे अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में भी मिल रहे हैं। शेयर जो थे अपने 50% रेट से भी जो हाई था, सपोज़ कोई शेयर 1,000 रुपीज़ का था वो 500 से भी नीचे, मतलब 40-60% करेक्शन काफ़ी सारे शेयर्स कर चुके हैं इंडिया में भी जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। सो चाइना ऐसे टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट की जो भी अपॉर्चुनिटी है वो कहीं से भी पैसा कमाने का मौका छोड़ नहीं रहा है। उसके अलावा चाइना की जो कंपनियां हैं वो मास्क वगैरह बना रही हैं, सैनिटाइज़र और काफ़ी सारे PPE जो किट होते हैं मेडिकल इक्विपमेंट के, वो भी बना के पैसा कमा रही हैं। सो अभी हमें ये सोचना होगा कि हम लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ भी बना सकते हैं या बनते हैं? यहाँ अगर 10-15% ज़्यादा कॉस्टिंग भी आती है तो भी हमें वो ख़रीदना चाहिए, बिकॉज़ हमें अपनी जो कंट्री है उसे सपोर्ट करना है और जिस क्राइसिस से अभी हम गुजरने वाले हैं इन फ्यूचर, तो उस सबको ध्यान में रख के हमें कम से कम इम्पोर्ट करना है। आई एम ऑल्सो इम्पोर्ट सो मेनी थिंग्स, सो मैं भी सोच रहा हूँ कि हम काफ़ी कुछ अब यहाँ ही इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे टाइम पे हमें ये सोचना होगा कि हमें हमारे देश में कितना कुछ हम इंपोर्ट कर सकते हैं और हमें हमारे इंडस्ट्रीज़, हमारे जो सप्लायर हैं, ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चर, इनको सपोर्ट करना है।
इस वीडियो बनाने का यही मोटिव था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।